आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी मजदूरों को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि यूपी बिहार के मजदूर घर लौटने के लिए कितने परेशान हैं। ये वीडियो तमिलनाडु के तिरुपुर का बताया जा रहा है और वीडियो में यहाँ करीब 5,000 मजदूरों के मौजूद होने की बात कही जा रही है। ये देखिए, तमिलनाडु का तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से सभी लोग बिहार और बाकी प्रदेशों से काम करने के लिए उतरते हैं। वहीं पर रजिस्ट्रेशन का अफवाह है या फिर सही, हमको पता नहीं, लेकिन देख लीजिए भीड़ का अंदाजा आप लगा लीजिए। और यही हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, हम भी इसी में है। बहुत सारा लोग, लगभग 5,000 से ऊपर आदमी है, देख लीजिए। यही व्यवस्था है तमिलनाडु सरकार का, और जो भी उपाय कर रहे हैं नीतीश कुमार, देख लीजिए इसका जीता जागता सब सामने पड़ा हुआ है। देख लीजिए आप लोगों को हकीकत से मया करवा रहे हैं। देख लीजिए, लगभग इससे ज्यादा आदमी जो है रोड पर है, इससे ज्यादा आदमी रोड पर है। ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है, और कोरोना वॉरियर्स को देख लीजिए, जो सामने पुलिस वाला है वो भी घिरा हुआ है मजदूरों से। शायद आपको लौक रहा होगा, देखिए दिख रहा होगा शायद, वो सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन का पालन कर रहे हैं, देख लीजिए। सभी लोग अपने गांव जाने के लिए बेचैन है, समझिए कि। आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन के बाद से हर राज्य में मजदूर फंसे हुए हैं, और ऐसे में हर कोई अपने घर जाना चाहता है। हर राज्य से मजदूरों के रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर इकट्ठे होने की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं सरकार ने मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए ट्रेन की सुविधा भी शुरू कर दी है। बहरहाल अब देखना होगा कि पीएम मोदी मजदूरों को राहत देने के लिए कोई बड़ा ऐलान करते हैं या नहीं। न्यूज़ डेस्क।